लाहौल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। मार्च में पहली बार पारा 20 डिग्री के पार। बढ़ जाएगी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च माह में पहली बार पारा 20 डिग्री के पार हो गया है। यही क्रम चलता रहा तो आने वाले दिनों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार भी सामान्य से कई गुना तक बढ़ जाएगी। पूर्व में मार्च माह में लाहौल का न्यूनतम तापमान माइनस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन पहली बार इस साल न्यूनतम तापमान भी माइनस को पार कर 3 डिग्री तक पहुंच गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि लाहौल घाटी में अटल टनल के निर्माण के बाद पर्यावरण में बदलाव देखने को मिला है। लगातार बढ़ती वाहनों की आवाजाही से समस्या लगातार बढ़ रही है। नई सुविधा, अब सरकारी राशन डिपो में मिलेगा 2 और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर कार्य करने वाले कामगारों, मजदूरों और अन्य लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी राशन डिपो में उन्हें 2 और 5 किलो के मिनी गैस सिलेंडर बिना पंजीकरण मुहैया करवाए जाएंगे। पर्यटन नगरी मनाली में इसकी शुरुआत हो गई है। 5 किलो का नया सिलेंडर लगभग 1600 रुपए में मिलेगा। पुराना मिनी सिलेंडर करीब 600 रुपए में रिफिल किया जाएगा। अध्ययन में खुलासा, हिमाचल में गर्भ में ही कुपोषित हो रहे बच्चे, जच्चा बच्चा की जान तक जा रही। हिमाचल प्रदेश में बच्चों में कुपोषण माताओं के गर्भ में ही हो रहा है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इसी से स्वास्थ्य से जुड़ी कई जटिलताएं पैदा हो रही हैं और जच्चा बच्चा की मृत्यु तक हो रही है। राज्य में 172 गर्भवती महिलाओं पर अध्ययन से ये तथ्य सामने आए हैं कि आयरन की कमी से पीड़ित 73.26% महिलाओं में अतिरिक्त फॉलेट या विटामिन B12 की कमी पाई गई है। ये अध्ययन एम्स बिलासपुर के अलावा मेडिकल कॉलेज टांडा, हमीरपुर और मंडी के विशेषज्ञों के संयुक्त अध्ययन से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों में सख्ती हुई तो 30% तक कम हो गए हादसे, 43% कम मौतें। सड़क हादसों को कम करने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू की है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त नियमों के साथ जुर्माना ज्यादा होने से वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने लगे हैं। ऐसे में अब हादसे भी कम हो गए हैं। शिमला पुलिस के अनुसार पिछले एक साल में जिला में सड़क हादसों में 30% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि में सड़क हादसों में मौत होने से 43% की कमी आई है। दिसंबर 2020 में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। शिमला पुलिस ने नया एक्ट लागू होने के बाद पहले लोगों को जागरूक किया, उन्हें नए नियमों के बारे में बताया। जो लोग नहीं माने उनके अब चलान करने शुरू कर दिए गए हैं।